स्वागत है फिर से एक नए एडवेंचर ब्लॉग में। और आज है मेरे साथ प्रदीप भाई हाय। और न्यू जॉइनिंग धवल भाई, दोनों ही न्यू जॉइनिंग है। आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ कैंपिंग कर रहे हैं। और आज का लोकेशन आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि अब अंधेरा हो चुका है और मतलब कि लोकेशन तक पहुंचना है, यहां से पैदल चलना है 1 किलोमीटर तक। तो जल्दी से वहां पर जाते हैं, बाद में टेंट वेंट लगाए के सब कुछ। तो गाइस निकलते हैं, यहाँ पे हमने गाड़ी रख दी है, देख सकते हो। तो गैस यहाँ पे नीचे देख सकते हो पानी का आवाज़ आ रहा है, नीचे रिवर है, नीचे नदी है छोटी सी। देखो पूरा अंधेरा हो चुका है। क्या हुआ? पानी है, जंगल जैसा लग रहा है। हाँ देखो गाइस आज का लोकेशन बहुत बढ़िया है, आज तो पूरा जंगल है यार। सुबह में पता चल गया, देखो रास्ते रास्ते में पानी है, ये पानी पहाड़ से निकलता है, सुबह में दिखाएंगे। हाँ तो गाइस यहाँ से देख सकते हो पूरा डरावना नजारा है। यहाँ से यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना है, देखो यहाँ पे है रिवर छोटी सी। डर लगता है बे जाने का। सीधे 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 चलते रहो यार, डर के आगे जीत है। हाँ तो दोस्तों हम लोकेशन पे आ चुके हैं। धवल भाई लोकेशन कैसा है? बढ़िया है। प्रदीप भाई अच्छा है लोकेशन? लोकेशन बहुत बढ़िया है गाइस, लेकिन अभी अंधेरा है तो आपको मालूम नहीं लगेगा कि लोकेशन कैसा है, लेकिन सुबह में आपको दिखाएंगे कैसा लोकेशन है। तो बहुत थक चुके हैं और सामने देख सकते हो सामान यहीं पर रख दिया है हमने, और बस अब जल्दी से टेंट लगाते हैं। टेंट लगा जो भी कुछ नजर है वो सुबह में दिखाएंगे। अभी तो कुछ दिखने वाला नहीं, अभी तो कुछ दिखा नहीं देगा आपको। तो टेंट लगाने के बाद आपको मिलते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा टेंट रेडी हो चुका है, देख सकते हो सारा सामान हमने अंदर रख दिया है, और अभी लाइटिंग भी हो चुकी है। और इधर प्रदीप भाई खड़े हैं, धवल भाई है, और हमारे साथ और दो बंदे जॉइनिंग होने वाले हैं, तो आ रहे हैं देख सकते हो। धर्मा भाई है, ये धर्म भाई है, और चेतन भाई। वेलकम वेलकम। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी। सब लोग थक गए हैं हम, धमाल करेंगे आज। हाँ तो दोस्तों आज ग्रुप कैंपिंग होने वाला है और हम हैं आज 5 बंदे, तो सारा सामान भी आ गया है और टेंट भी लग चुका है। तो अब थक चुके हैं, रास्ता बहुत डेंजर है। हाँ ओह लकड़ी ढूंढते हैं, देखो बहुत सारी लकड़ी ढूंढ ली है। जंगल में से ओहो, ये कहाँ से लाए यार बहुत सारी लकड़ी। ओहो हो जाएगी अभी तो, इतना तो पूरी नाइट काफी है गाइस। दूर रखते हैं, बस इधर रखो, थोड़ा टेंट से थोड़ा दूर रखेंगे। तोड़ना पड़ेगा, भागी जाए उसे, हारू से लाए।
पहली बार आए थे, लकड़ी लाने में दिक्कत हुई थी, आज अच्छा है। आज हमको लगा था बहुत टाइम हो गया, लेकिन लकड़ी मिल गई तो बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पे तो वहाँ पे वो देवी स्थान है, यहाँ पे देवी स्थान तो कोई नहीं आएगा लगता है ना, देवी स्थान है उधर कुछ मेरे को पता नहीं है, मैं अभी आया हूँ इसलिए। हाँ तो दोस्तों सब हाजिर है, देख सकते हो ये फर्स्ट कैंपिंग में मेरे साथ धर्म आए थे, बाद में चेतन भाई और आज न्यू धवल भाई और प्रदीप भाई, हम पांच बंदे हैं। तो गैस अभी टाइम कितना हुआ चेतन भाई, टाइम कितना हुआ? अभी बजे है 7:18 अभी गैस 7 बजे है और पूरा अंधेरा हो चुका है, लाइट हमने लगा दी है, टेंट भी रेडी हो चुका है, सब हो चुका है। तो पहले तो हम चाय बनाएंगे, बाद में हम डिनर बनाएंगे, चाय बना दे पहले। तो गाइस हम पानी लेने जा रहे हैं, हम पानी भरने के लिए आए हैं। हाय गाइस, चेतन भाई अभी पानी भरेंगे, यहाँ पे अंदर डुग्गर में से पानी आ रहा है, इधर से अंदर अंधेरा है तो आपको शायद ना नीचे से ले लें, यहाँ पड़ पे भराएगी इतनी गर्मा, 5 लीटर भराएगी है ना। तो पानी तैयार है, ओके रेडी है। दोस्तों प्रदीप भाई वेजिटेबल कट कर रहे हैं, अभी कट हो रहा है ओनियन, और चेतन भाई पानी भर के लाया नीचे से, थक गया हूं मैं अभी। और यहाँ पे ये धर्मेश भाई जाने वाले थे शादी में, लेकिन अभी बस नाइट हमारे साथ स्टे करेंगे पूरी नाइट यहाँ पे, हमें रात को ठंड लगेगी इसके लिए ये अलग फाइल लगाया हमने, और यहाँ पे हमारा डिनर पकेगा तो इसके लिए हमें अलग चूल्हा बनाया है हमें। तो अब हो रहा है वेजिटेबल कट, क्योंकि अब चाय का प्रोग्राम कैंसिल हुआ, चाय हम सुबह में बनाएंगे, क्योंकि अब चेतन भाई आज क्या है मेनू में आज मैं बाद में बताऊंगा, सरप्राइज है, आज डिनर सरप्राइज है, डिनर में क्या बनेगा वो डिनर बन के ही बताएंगे आपको। दोस्तों आज डिनर बनाने में लगे हैं सब, लड़की लोग खास देखे। किसी को भी कैंपिंग करना है तो हमें हमारी जो लिंक है उस पे कमेंट में जरूर बताइए और कॉन्टेक्ट नंबर भेजिए। क्या क्या चाहिए? तो गाइस ये मिर्च फ्राई होगा अभी, देखो ये प्रदीप भाई ने कट कर दिए, ज्यादा मत कट करो, बीच में सिर्फ होल्ड करो, हो गए धोल भाई। ठीक है ठीक है, हम मिर्च फ्राई कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब धवल भाई डालेंगे इसमें, डाल दे धवल भाई, दोनों डाल दो, तीनों चारों 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 डाल दो, हाँ डाल दे डाल दे। और हमारे चम्मच चम्मच इसमें है, अटेंट में रखा है चम्मच, कहीं नहीं लाओ बधू लाओ नहीं चला है, जो चाहे वो लेके आना सब चलेगा यार, लंबे वाला यूज कर, तेल है ना इसलिए, इधर का इधर पकड़ने का गिर गया। दोस्तों हमारी मिर्च फ्राई हो रही है, देखो बहुत बढ़िया तरीके से, मुंह में पानी आ गया यार अभी से। मिर्च देख के भूख लग गई, मिर्ची खा लेंगे
हो गया ना वो अच्छा आइडिया है लेकिन गिर जाएगा क्या गिर नहीं लूंगा ना। हाँ तो दोस्तों हमारी मिर्च रेडी है फ्राई होके, अब नमक डालेंगे इस पर बहुत अच्छी तरह से देखो। हाँ तो ये फ्राई हो चुकी है, बस रेडी रेडी हो गया। अब इसको रख देता है साइड में, अब बनाएंगे गाइस। इसमें तेल तो डाला था, बाद में खड़े मसाला डाले, अभी डाला है गार्लिक और लहसुन का पेस्ट। अब जाएगा इसमें ऑनियन, वो ऑनियन डाल दे वहाँ पे रखा है। अब ये पूरा डाल दिया ऑनियन, और ऑनियन को अच्छे से पकने देते हैं। कोई बात नहीं, अब मिर्च डालेंगे, डाल दे और डाल थोड़ा, बस 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 बस, बड़ी चम्मच लेना यार, क्या है ये, चलो देखो भाई इसमें तुम्हारा मसाला है, ठीक है। अभी चाहिए होगा हमको टमाटर, शायद अभी आग तेज है इसलिए मसाला जल्दी चूड़ जाएगा। दोस्तों चेतन भाई टमाटर कट कर रहे हैं और प्रदीप भाई भी टमाटर से जुड़े हैं, ये भी रह गया, बहुत फास्ट काम चल रहा है, बहुत फास्ट काम चल रहा है, लेट हो गए ना इसलिए हम चाय पीने का मूड था लेकिन चाय को पोस्टपोन किया, चाय सुबह में बनाएंगे और अभी डिनर से जुड़े हैं, सब्जी कट कर रहे हैं सब, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी, भूख लगी है। मसाला तैयार हो रहा है थोड़े थोड़े, आज आज के शेफ धवल भाई है वो सब खाना बना रहे हैं। आज जो भी कुछ बनाएंगे धवल भाई बनाएंगे। तो हमने पहले तो मिर्च फ्राई किए, अभी ये सब्जी रेडी हो रही है, और सब्जी में क्या है वो सरप्राइज है, बाद में बताएंगे। लड़की लोगों के लिए ऑफर है, मैरिज के बाद धवल ही सब कुछ खाना वो सब जोक है, प्रदीप भाई ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तो बनाना पड़ता है, टमाटर चाहिए, टमाटर चाहिए होगा भाई, ये तो विहरे ही गए थे ला। ये पूरा वाटका ही डाल देना, दो वाटका है क्या डाल दो, नहीं दूंगा आधा तो काटा नहीं, प्रदीप भाई ने काटा नहीं, आखाए देखो। हाँ तो दोस्तों टमाटर डाले हैं इसमें, मेरा तो छोटा वाला था। दोस्तों अभी ये टमाटर डाल दिए हैं और ये अभी पक रहा है। दोस्तों ये पनीर कट हो गया है, आज पनीर की भी सब्जी बनेगी। सही सही सही। दोस्तों ये टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, अब इसमें डालेंगे प्रदीप, इसमें प्रदीप भाई क्या डालेंगे इसमें, इसमें अभी मसाला डालेंगे, मसाला डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे, मसाला डालेंगे, हल्दी। आज के से प्रदीप भाई और धवल भाई है, जो भी कुछ आज रेसिपी बनेगी वो सब इस पर डिपेंड है, हम सिर्फ खाने वाले लोग हैं।
तो गैस बोले तो ये ग्रेवी रेडी हो रही है, इसमें ओनियन और टमाटर सब डाले हैं, ये सब मिर्च है, टमाटर है, ये पनीर है, तो पनीर की सब्जी अलग से बनेगी। दोस्तों और इसमें मटर डाले हैं, ये सब रेडी हो चुका है, अब सारे मसाला जाएंगे। नमक डालना है, नमक डालना पड़ेगा बाद में डालेंगे। दोस्तों हर कैंपिंग में चिकन तो बनता ही है, तो आज के भी ग्रुप कैंपिंग में आज भी चिकन की रेसिपी रेडी हो रही है, आज भी चिकन बनेगा। ये डाल दिया अच्छे से, अब नमक डाल दिया है, ऊपर रख देंगे उसका ढक्कन और थोड़ा पानी रख देंगे, बाद में ये अच्छे से पकता रहेगा। दोस्तों ऊपर डाल दिया है पानी और ये अच्छे से पकता रहेगा। अभी अब बनाएंगे हमारा पनीर। हाँ तो दोस्तों अब बनेगा हमारा पनीर, तो दोस्तों तो पनीर का सेटअप रेडी है। अब हाँ धनुष भाई आ जाओ इधर। दोस्तों तो अभी इसमें तेल डाल दिया हमने, दोस्तों डाल दिए खड़े मसाले, अब जाएगा मिर्च, दोस्तों हमारे मिर्च अच्छे से पक रहे हैं। धनुष भाई इसमें टमाटर डाल दो ना। हाँ अब टमाटर डाल दिया, तो दोस्तों अच्छे से मसाले डाल दिए, अब जाएंगे इसमें मटर। दोस्तों अब डालेंगे पनीर, डाल दे, हाँ डाल दे पूरा। तो 15 मिनट में हमारा पनीर रेडी हो जाएगा। विजय भाई चावल पक गया है क्या? पकने वाला है अभी। चिकन एक देख लो, वो अपने वो चिकन है ना वो सब भाई आधा आधा करने का करेंगे। तो गाइस ये चिकन है और ये इसमें पनीर है और ये राइस और ये फ्राई मिर्च है। तो अभी सब भाइयों की प्लेट निकल रही है। दोस्तों डिनर रेडी हो चुका है और सब बैठे हैं। ये चिकन मर्चा ये मिर्ची राइस चिकन बिरयानी दोस्तों मजा आ रहा है ना? हाँ मजा है यार, बहुत मजा, बहुत मजा है। प्रदीप भाई डिनर कैसा है? अच्छा है खाना, बहुत सब्जी कैसी है? सब्जी बहुत अच्छी है। चेतन भाई कैसा लगा? बढ़िया ओके है। दल भाई बहुत बढ़िया, एकदम एक नंबर एक नंबर।
हम तो चार जान खा गए हैं यार। पनीर चावल राइस बहुत अच्छा बना है। तो गाइस डिनर बहुत अच्छा बना है, एक नंबर का। चिकन भी अच्छा बना है, लजीज लग रहा है। ओ तो गाइस टेस्ट बढ़िया है और हम डिनर को एंजॉय कर रहे हैं अभी फिलहाल। हाँ तो दोस्तों अच्छे से डिनर ख़त्म हो चुका है और हम बाहर बैठे हैं थोड़ी देर। प्रदीप भाई टाइम कितना हुआ? अभी 12 बजने वाला है, 11:51 हुई है, 11:51 हुई है, अभी 9 मिनट बाकी है, 12 बजने वाले हैं और हम बाहर ही बैठे हैं। तो आज हमारे साथ दो नए दोस्त आए हैं, तो उन लोगों को पूछते हैं कि आज यहाँ आके उन लोगों को कैसा लगा। तो प्रदीप भाई आपको कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है। हम सोच रहे थे काफ़ी दिनों से कि कैंपिंग करके नाइट कैंपिंग करें, नाइट आउट करेंगे। हाँ मजा आ गया। आज जो प्रदीप भाई उसको डर लग रहा था कि नाइट में क्या होता है क्या कुछ, बल्कि आज बोला कि चलो आ जाओ, तो हाजिर है आज। और साथ में धवल भाई भी है। धवल भाई कैसा लगा? हमको तो बहुत मजा आ गया। बहुत मजा आया। और दोस्तों खाना भी बहुत बढ़िया बना था, मेरे लिए वेज था। और आपको मालूम है नॉनवेज तो बनता ही है कैंपिंग में। और बताओ चेतन भाई। और मैं बोल रहा था कि इन लोगों को ये कैंपिंग में कुछ बदलाव लाना है, तो आप बोल सकते हो नया कुछ करने का। हमको चेतन भाई ने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि कुछ आ रहा है, वो हमको बढ़िया लगा था। वही देखने आए हैं आज हम इधर तक। 12 बजे तक बैठे हैं कि बाहर से वो क्या आया था, तक बैठेंगे देखेंगे कुछ आ रहा है क्या है कुछ नहीं। चेतन भाई उस दिन क्या आया था? मुझे भी नहीं मालूम क्या आया था। चेतन भाई बोला नहीं था उसने क्या आया था, लेकिन चेतन भाई बोले ब्लॉग में बताएंगे ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन कुछ देखते हैं अभी। तब तो 12:03 बज चुके थे, तो वाइट ड्रेस में आया था। अब दूर से देखा था, मेरे को भी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, अच्छी तरह नहीं दिखा, लेकिन आज पता चलेगा। आज पास जाएंगे उसके, पास जाएंगे। आज ज्यादा लोग है, उस दिन तो दो ही लोग थे, तो हमको जरा हाँ उस दिन हम दो ही बंदे थे और नहीं गए। वो भी था, ज्यादा लोग है तो हम देखते है उसका नजारा भी। और उस दिन चेतन भाई को ही महसूस हुआ था, मैं तो सो रहा था आराम से, और उसने चेतन भाई ने सुबह में बोला था मुझे, तो वही बात थी। आज हम चार बंदे हैं, तो देखते हैं रात को क्या होता है और क्या महसूस होता है। सुबह में जो भी कुछ होगा वो सुबह में बताएंगे दोस्तों। दोस्तों कैमरामैन जल्दी फोकस कीजिए। हाँ तो दोस्तों अभी 12:52 हो चुके हैं, अभी 1 बजने वाला है और
बस अब आराम करते हैं, तो मिलता है सुबह में। गुड नाइट, बाय बाय। चारों तरफ कोहरा छा रखा है। अभी फिलहाल सुबह के 6:30 बजे है और मैं और धवल भाई अभी उठ चुके हैं। बाहर आग जला रखी है, थोड़ी थोड़ी ठंड है, ज़्यादा तो नहीं है। इस साइड से भी रिवर है और उस साइड भी रिवर है और यहाँ पे दोनों रिवर का संगम होता है यहीं पे बीच में। तो ये पॉइंट भी कुछ ऐसा है, वहाँ पर हमने टेंट लगाया है। नज़ारा दिखाई दे रहा है सुबह सुबह। और हमारे प्रदीप भाई भी सुबह सुबह टेंट से बाहर आ चुके हैं। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक बंदा सो रहा है अभी, बहुत आलसी बंदा है, देख सकते हो। तो दोस्तों सामने अभी सन निकल रहा है, देख सकते हो, बहुत बढ़िया नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ से। सबको गुड मॉर्निंग। रातों को ये परेशानी हुई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत बढ़िया नींद आ गई। हाँ, बहुत बढ़िया से नींद आ गई थी। रात को कितने बजे? 1 बजे सोए थे हम, और अभी तो फ्रेश होते हैं और पहले तो एक्सरसाइज करेंगे, बाद में मुंह में से धुआं निकल, हाँ फ्रेश होंगे और बाद में चाय बनाएंगे। चेतन भाई कोच है, वो हम एक्सरसाइज करवाएंगे अभी। ये चप्पल निकल गया बाजार, वो जी वो ऐसे करो, ऐसे अब ऐसा करने का है। ये तो आते ही आप करके दिखाओ, आप करके दिखाओ यार। अभी ऐसे करने का है, ऐसे एक हाथ फास्ट दोस्तों चाय का सेटअप रेडी है, अब चाय बनाएंगे। चाय है कि क्या है? दोस्तों चाय हमारी बन के रेडी है, अब इसको सर्व करते हैं। और सामने देख सकते हो प्रॉपर सन निकल चुका है, तो फटाफट चाय पी लेते हैं अभी। हाँ तो दोस्तों हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, चाय पी ली, बिस्किट खा लिए। तो प्रदीप भाई आप फर्स्ट कैंपिंग में जुड़े थे हमारे साथ, धवल भाई, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा रात को और कैसा लगा, मतलब कि वो बताओ। हमें तो बढ़िया मजा आ गया, मजा आ गया, फुल एंजॉय हो गया, फुल एंजॉय हो गया। और कुछ मतलब कि रात को किसी को भी होता है, रात को आउटडोर पर जाते हो और कहीं पर भी आप स्टे करते हो तो कैसा फील होता है, वो तो हमको लगता ही है। लेकिन आज प्रदीप भाई को पूछ लेता हूँ,
कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा, पहले तो ऐसा लगता था, जब नहीं आता डर लगता था कि कुछ होगा रात में, कुछ दिखेगा। चेतन भाई ने पहले वीडियो में देखा था, मैं तो डर गया था कुछ शायद रात को आएगा कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं और डर भी लगा नहीं, डर भी निकल गया, डर भी निकल गया। हाँ तो वो बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, कुछ ऐसा ही हुआ कि पहला तो लगता है कि वहाँ पे कुछ होगा क्या होगा रात को, वो सारी दिक्कत होती है, तो वो भी सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है और रिस्क लेके आना पड़ता है। तो गाइस आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, लाइक करना, फॉलो करना और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, कमेंट में लिखना आपको कैंपिंग करना हो तो कमेंट में लिख देना, हाँ लिख देना, पहुंच जाएंगे आप लोग। तो दोस्तों अब वीडियो एंड करने का वक्त आ चुका है, तो अब थोड़ी देर हम ये सब सारा सामान पैक करके यहाँ से निकलेंगे, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय जवाहर।